आदिपुरुष में प्रभास और आरआरआर में रामचरण के लुक को लेकर हुई तुलना। प्रभास को लोगों ने बताया गैंडा। प्रभास बीते ही दिन अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष से एक पोस्टर रिलीज कर काफी चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म के पोस्टर में प्रभास को भगवान राम के किरदार में देख फैंस काफी खुश हैं और उन पर तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। सामने आए पोस्टर में भगवान बने प्रभास हाथ में धनुष लिए आसमान की ओर अपना निशाना साधे नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर ने लोगों में काफी हलचल मचा दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ देर बाद ही कुछ ऐसे लोग भी आए जिसकी वजह से प्रभास को बेवजह ट्रॉल होना पड़ा। हालांकि इसका असर न तो प्रभास पर पड़ता है और न ही उनके फैंस को। दरअसल रिलीज किए गए प्रभास के इस पोस्टर की तुलना आरआरआर की फिल्म में एक फाइट सीन के दौरान भगवान राम के गेटअप में दिखे रामचरण से होने लगी है। कई लोगों ने प्रभास के लुक की तुलना रामचरण से करके प्रभास को मोटा बताया है और महज एक पोस्टर पर ही वह अपने अंदाजे लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पोस्टर से फिल्म का अंदाजा लगाना बेवकूफी है। अभी तक तो फिल्म से ना तो टीजर रिलीज हुआ है और ना ही ट्रेलर, और इस बात का अंदाजा लगाना कि फिल्म में प्रभास कैसे दिखेंगे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रभास को हम बाहुबली और बाहुबली 2 में भी देख चुके हैं, जिसमें बाहुबली का किरदार निभा चुके प्रभास ने सबका दिल जीत लिया था। वही बात रही रामचरण की, तो आपने आरआरआर में रामचरण का जो लुक देखा है वह तो सिर्फ एक फाइट सीन के दौरान देखने को मिला भगवान राम का गेटअप है। लेकिन बात करी जाए आदिपुरुष की, तो आदिपुरुष में प्रभास खुद भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। और वैसे भी यह फिल्म को डायरेक्ट ओम राउत ने किया है और हमने ओम राउत का काम फिल्म तानाजी में भी देखा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में रिलीज होने जा रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेगी और इसकी गूंज पूरी इंडिया में गूंजेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रभास के लुक पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।